दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है कप्तान रोहित। कंगारुओं को धूल चटाने के लिए हिटमैन ने तैयार किया है चूक मास्टर प्लान। सितारों से सजी स्क्वाड से ऐसी खूंखार प्लेइंग 11 तैयार की है जिसका हर एक खिलाड़ी अकेले दम पर दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाने का दम रखता है। तो आखिर पहले टेस्ट मैच के लिए क्या रहने वाली है टीम इंडिया, रोहित शर्मा के सभी बदलाव के साथ साथ पूरी प्लेइंग 11 हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में से बेहतरीन कप्तान कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जिस पल का सभी क्रिकेट प्रशंसकों का इंतजार था वह घड़ी अब बेहद करीब आ गई है। हम बात कर रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का प्रदर्शन गजब का रहा। वनडे सीरीज में विरोधी टीम का सुपड़ा साफ करने के बाद हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का T20 श्रृंखला में भी सफाया कर दिया। अब पूरे कॉन्फिडेंस में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों में उतरने वाली है। आपको बता दें दुनिया की दो सबसे खतरनाक टीमों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा ही मुकाबला कांटे का होता है। पिछली बार जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी तब भारतीय टीम ने गाबा का घमंड तोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के घर पर उन्हें बुरे तरीके से रौंदा था, जहां भारत के बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा कई मुकाबलों में खेल ही नहीं पाए थे। बावजूद इसके भारत के युवा सितारों ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन और वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के जीत की पटकथा लिखी थी। और अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला 9 फरवरी को खेला जाएगा। यह मुकाबला नागपुर में होना है जहां स्पिनरों को बहुत अच्छी खासी मदद मिलने वाली है। तो एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की जोड़ी बेहद ही घातक साबित होने वाली है। आपको बता दें 9 फरवरी से 13 फरवरी तक होने वाला मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले का मजा आप स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ उठा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। दोस्तों दोनों के बीच मुकाबला बेहद हाई वोल्टेज होने वाला है क्योंकि भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से सीरीज में हराना ही होगा। अगर टीम इंडिया ऐसा नहीं कर पाती है तो भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का सपना टूट जाएगा। हालांकि अपने घर पर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बेहद मजबूत है। वैसे भी पिछली बार जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई तब टीम इंडिया ने ही जीत दर्ज की थी, लेकिन रोहित शर्मा कोई भी देश के नहीं लेना चाहते और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रौंदने के लिए कमर कस ली है। जी हाँ, उन्होंने पहला मुकाबला जीतने के लिए एक बेहद ही खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। आपको बता दें रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट मैच के लिए ओपनिंग की कमान खुद के साथ इस वक्त प्रचंड फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल के कंधों पर रखी। बता दें इस वक्त शुभमन गिल का बल्ला आग उगल रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में दोहरा शतक ठोकने वाले शुभमन गिल ने हार्दिक पांड्या की अगुवाई में खेले गए 3 मैचों की T20 श्रृंखला में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक ठोक दिया और इनके इस प्रदर्शन का नाम रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट के प्लेइंग 11 में ओपनिंग की जिम्मेदारी लेकर किया है। अब उनके ऊपर कप्तान रोहित के साथ टीम इंडिया को जीत दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वहीं हालांकि इसके लिए टीम इंडिया के उपकप्तान केएल राहुल को अपनी जगह गंवानी पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा नजर आने वाले हैं। जी हाँ, पुजारा भारत के वह बल्लेबाज है जिन पर कप्तान रोहित शर्मा से लेकर हेड कोच राहुल द्रविड़ और करोड़ों भारतवासियों की बेहद उम्मीद है। पिछली बार जब भारत बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेला था तब चेतेश्वर पुजारा ने अपने टेस्ट करियर का सबसे तेज शतक जड़ा था और अब वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी धाकड़ प्रदर्शन करना चाहेंगे। इसके अलावा नंबर 4 पर भारत की शान विराट कोहली नजर आने वाले हैं जो अपनी पसंदीदा टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने बल्ले से धमाल मचाना चाहेंगे। पिछले काफी समय से कोहली टेस्ट में शतक नहीं लगा पाए हैं, हालांकि वह इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं और अपनी फॉर्म को टेस्ट क्रिकेट में भी बरकरार रखना चाहेंगे। टीम इंडिया की जीत काफी हद तक विराट के प्रदर्शन पर भी निर्भर करती है। वहीं उनका साथ निभाने के लिए टीम इंडिया में चोट से वापसी करने वाले श्रेयस अय्यर पर रोहित शर्मा भरोसा जता रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम की जीत की नींव रखेगी। केवल इतना ही नहीं, विकेट कीपर की भूमिका में ईशान किशन पर कप्तान रोहित आंख मूंद कर भरोसा जता रहे हैं। जहां केएल राहुल का ना होना ही टॉप ऑर्डर और ना ही लोअर मिडिल ऑर्डर में जगह मिली है, वहीं केएस भरत ने पहले रोहित ने ईशान किशन को मौका दिया। जी हां, भले ही T20 मुकाबले में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा हो लेकिन उन्हें टेस्ट क्रिकेट में एक और मौका मिला है। ईशान किशन के ऊपर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऋषभ पंत निभाया करते थे। किशन पंत की तरह ही एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है और ऐसा बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। इसके अलावा भी स्पिन विभाग की जिम्मेदारी और निचले क्रम में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के कंधों पर रहने वाली है। इन दोनों खिलाड़ियों के साथ अक्षर पटेल भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों ये तीनों खिलाड़ी न सिर्फ स्पिन विभाग में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाने वाले हैं बल्कि बल्लेबाजी करके भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की सामत लाने वाले हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी के कंधों पर रहने वाली है। इन दोनों खिलाड़ियों ने अब तक अपने खेले गए पिछले सारे ही मुकाबलों में दमदार खेल दिखाया और अब ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी भारतीय गेंदबाज दमदार प्रदर्शन करना चाहेंगे। मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी बेहतरीन रहा है और वह एक बार फिर से अपना वही प्रदर्शन दोहराना चाहेंगे। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला बेहद ही रोमांचक होने वाली है। इस सीरीज के लिए दुनिया भर के क्रिकेट फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।